13th November. Let's begin. Number one है पुराने चश्मे पहनना, favorite white t-shirt पहनना. Favorite मतलब वो t-shirt जिसमें आपको memories बनानी है ताकि paint वेंट के छीटे उड़े. Comfortable चड्डा पहनना and room को खाली करना. तो ये है पूरी की पूरी तैयारी. करंटली मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही सामान चाहिए रहेगा. अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन दीज आर ऑल द पेंट्स आई विल नीड पूरे घर के लिए. सिर्फ इतने से डब्बे पेंटिंग ट्रे जो लास्ट टाइम से बचा के रखी थी. बहुत सारी अलग अलग साइज की मास्किंग टेप, पेंट ब्रशेस, पेंट रोलर्स एंड प्लास्टिक अपने फ्लोरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए. एक बार डिजाइन का टेपिंग हो गया है ना, फिर यू नीड टू डू प्रोटेक्शन टेपिंग व्हिच इज साइड्स में, ताकि आपके साइड वाले दीवार पे कलर ना लगे इन केस यू डोंट वांट इट देयर. प्लास्टिकिंग द फ्लोर, स्पेशली अगर वुडन फ्लोरिंग है तो भाई कर ही लेना. सम टाइम्स पेंट के छीटे नहीं निकलते. आई नो प्लास्टिक इज नॉट द बेस्ट, लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऑप्शन मिला नहीं. न्यूज पेपर से भी लाभ लगता है, इसलिए न्यूज पेपर नहीं यूज कर सकते. आई ओनली बॉट वन प्लास्टिक जो मैं घुमाते रहूंगे पूरे घर में. एंड देन वी गोना स्टार्ट. फॉर एपिसोड वन ऑफ पेंटिंग हम सिर्फ ये रूम करेंगे विच इज गोइंग टू बी द कूल टोन रूम, मतलब थोड़ा ब्लूज एंड पर्पल्स. दिस इज लाइक अ स्टडी रूम सिचुएशन. दिस इज द डिजाइन एंड उसमें जो नंबर्स लिखे हैं दे आर द शेड नंबर्स. मैंने याद से ये टाइम लिखे हैं. इन द लास्ट ईयर्स वीडियो आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट कि हमको सेम कलर करना है, व्हाट्स द शेड नंबर, एंड आई माइसेल्फ डिड नॉट रिमेंबर. लेट्स स्टार्ट द ट्रायंगल वॉल. इसको मेरे को चार अलग टाइम पेंट करना पड़ेगा तब जाके कंप्लीट होगा, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, बट ऑफकोर्स फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते तब तो ये फिनिश होगा. ये है अपना पेंट का डब्बा. मैच द शेड फर्स्ट वीक एंड मिक्स इट. नाउ वी हैव टू ट्राई टू ओपन दिस. ओह माय गॉड, हिमानी डिड इट. सो डे वन में अपना ही कर रहे हैं. अभी एक साल बाद पेंट किया था, टुक अ लिटल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट कि एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है टू ब्रिंग द बेस्ट फिनिशिंग. आई एम हैप्पी विद हाउ पेंटी द हैंड्स आर. वी नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेंगे, होपफुली टुमारो तब आई सी यू. आई कुड कम बैक टुनाइट आल्सो आफ्टर दिस इज डन. वी विल सी दैट. हाय, अभी हम सेकंड रूम एंटर कर चुके हैं जो बनने वाला है अपना वॉक इन वार्डरोब, और जिसका कलर स्कीम थोड़ा न्यूड जैसा है. एंड वी स्टार्टिंग विद द टेपिंग. ये वॉल, ये वाली वॉल बन रही है, फोटो है ये बनने वाली. तो ये जो सेंटर वाला है वो मोटा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पेंट लगेगा. इसके अंदर पेंट नहीं लगेगा, ये पेंट निकलने के बाद इधर आके फिर पेंट लगेगा. तो वंस द प्रोसेस गोज फर्दर आप बाकी वीडियो में देखोगे. ये मोटा पतला मोटा मोटा पतला मोटा ऐसे करना है पहले. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग और मेरा ऑलरेडी ये हाल है. लॉन्च होने के पहले काफी लोगों को प्रोडक्ट्स ट्राई करने मिलते हैं. फॉर मी द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज बीन द गार्नियर नाइट सीरम शीट मास्क, और मैं इसको काफी टाइम से ट्राई कर रही बिफोर द लॉन्च. बूजी फीलिंग था बेसिकली दैट वी गेटिंग टू टेस्ट समथिंग बिफोर द लॉन्च, एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय पिक फॉर नाउ. मेरे को डे टाइम में एज यू सॉ टाइम तो नहीं मिल रहा है स्किन केयर के लिए. इसको यूज करना इज वेरी इजी, जस्ट लाइक द अदर शीट मास्क. इट्स एनरिच्ड विद द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपको बेटर हाइड्रेशन देता है व्हेन यू स्लीप विद द सीरम ऑन. जो मेरा ऐसा हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना, अभी ऐसा अच्छा पड़ता है. द होल वन वीक का सीरम एक मास्क में वाला कॉन्सेप्ट. वो 15 मिनट ढकना है, आफ्टर 15 मिनट्स टेक इट ऑफ, पैट द एक्सेस इन एंड यू डन फॉर योर नाइट टाइम स्किन केयर आफ्टर 15 मिनट्स. बस इसको लिफ्ट करना है. As per the usual regimen, I'm gonna take this mask and apply it on my elbows and my knees. Iske main ingredients are deep sea water and hyaluron. That is what makes it a special formula, like a night cream like thing in a mask. Not only do you feel instantly revitalized and hydrated ye 15 minute mein, lekin when the serum sits on your skin puri raat bhar, to it does its work and subah you see the results. Agar aapko ye serum excess lagta hai, then you can use a cotton pad to take it off, and that is what I do for my skin jab ye samay ko tired or stressed feel.
फील होता है तो मैं रात को ये लगा के आई स्लीप एंड देन सुबह आई फील मच 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 बेटर. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस न्यू लॉन्च एट 150 rupees. बाकी मास्क एक्सपेंसिव है लेकिन उसके रिजल्ट भी मुझे ऐसे लगता है, तो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्पेंड माई ओन मनी आफ्टर दिस ऑल्सो गेट्स ओवर. आई सी यू द नेक्स्ट डे नाउ. हाय, हम दूसरे पड़ाव के लिए आ गए हैं. अभी सिर्फ पहला हाथ हुआ है. आई वांट टू शो यू कि आफ्टर द फर्स्ट कोट व्हाट द पेंट इज गोइंग टू लुक लाइक. तो अगर आपका पेंट सही से लगा रहेगा ना तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में देयर विल बी अ वेरी वेरी स्मूथ फिनिशिंग. कहीं कहीं व्हाइट पैचेस भी होंगे. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये व्हाइट पैचेस आते हैं फर्स्ट कोट में और सेकेंड कोट में इजिली कवर हो जाते हैं. तो डोंट पैनिक कि वो पेंट गलत लगा है या यू डूइंग अ बैड जॉब. नथिंग लाइक इट. सेकेंड कोट का पर्पस ही है टू गिव इट द अल्टीमेट परफेक्ट फिनिशिंग. ऑनेस्टली सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे अकॉर्डिंगली इज कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट. पानी का प्रपोर्शन एकदम बराबर होना चाहिए. बाय डूइंग दिस अंदर जो भी एक्स्ट्रा पेंट था ना टाइलिंग हो जाता है पानी में और एक्स्ट्रा क्वान्टिटी मिलती है. अभी हम आ रहे हैं सामने वाली वॉल पे एंड दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट वॉल पूरे घर में. ये जो टेप है ना ये दिखेगा तो चलेगा बिकॉज द पट्टा सपोज टू हैव अ स्पेस बीच में. वो स्पेस दिखना चाहिए. दिस इज द फोटो. दिस इज एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं. दीज आर द शेड नेम्स. आई एम थिंकिंग लेट्स गो फ्रॉम लाइट टू डार्क. सी इसमें यू विल सी हाउ आई डू स्विच बोर्ड. टू स्विच बोर्ड में ना इधर बहुत सारी जगह होती है. वी शुड फर्स्ट क्लीन. ऑल आई डू इज आई गो इसके अंदर एंड साइड. वैसे ना वही गो इन विद द रोलर. जो छोटा छोटा क्रेविसेस है ना बॉर्डर्स उधर पेंट ब्रश ही कर लेने का फॉर सेफ्टी. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द टॉप. सेकेंड वॉल भी हो ही गया है बट मैंने की है गड़बड़. दैट इज कि हर एक बार कलर जब चेंज होता है ना यू आर सपोज टू वॉश योर ब्रश एंड योर ट्रे. आई वाज टू लेजी टू वॉश. तो मैं धीरे धीरे ब्लू से पर्पल वाले कलर स्कीम में गई. यू नो हो जाएगा मुझे धोना नहीं पड़ेगा बट पैचेस हुए हैं. आई शो यू द पैचेस. हम सेकंड कोट में कवर करेंगे. सेकंड कोट में ये लेजीनेस नहीं चलेगी. सेकंड कोट में एवरी टाइम आई विल हैव टू वॉश द ट्रे एंड द ब्रश टू गेट एकदम इवन कलर एंड नॉट ब्लू के पैचेस पर्पल मैन पर्पल के पैचेस ब्लू में. यहाँ पे एकदम पर्पल है बट यहाँ पे ब्लू पैच आ गया है. तो इफ यू लाइक दिस इफेक्ट ऑफ कोर्स चल सकता है बट आई वांटेड थोड़ा मोर इवन टोन. डोंट वरी अबाउट दिस अनटाइडीनेस. ये टेप जब निकलेगा तभी पूरा निकलेगा. यू विल सी. बोला था सेकंड कोट के बाद इट विल लुक सुपर वेल फिनिश्ड. तो अभी हम ये वाली टेप निकाल के इसके ऊपर टेप लगाएंगे ताकि इन दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे. लुक एट दिस क्रेजी शार्प फिनिशिंग. Just like that, first coat of the second color is also done. ये speed पे तो ये हो जाएगा शादी के दिन में. Now we're going to the second coat on the opposite wall, which is the final coat. Finally, mummy उड़ रही है, तो थोड़ा process fast हो जाएगा. Third row, I'll show you how you have to wash brushes each week में. वॉट एवर एक्सेस पेंट इज है वो मैं फेक नहीं देती. आई पुट इट बैक इन द डिब्बी. क्या पता आगे कहीं काम आ जाए तो डोंट थ्रो इट अवे. यू कैन अगेन पुट इट बैक इन द डब्बा एंड स्टोर इट. दिस इज द डब्बा, ओरिजिनल डब्बा जिसमें से निकाला था. और जो ओपनिंग पेंट का डब्बा इज लिटिल ट्रिकी. सो इफ यू आर अंडर 18 प्लीज टेक हेल्प ऑफ एन एडल्ट एंड हाउ टू स्टोर इट इज तो सब एक साइड डाल दो. Now I'll show you कि brushes और tray को wash कैसे करना है बीच बीच में. Beware, इसमें पानी बहुत waste होता है. So if you know of a better way जिसमें इतना पानी ना जाए तो please comment में बता देना. बस अभी final ये वाली section बची है and I'm trying to show you a before कि कितनी गंदी तरह से किया है मैंने first section because of being lazy and not washing the tray. तो ये सब जो blue patches दिख रहे हैं ना
ये देखो, यू कैन लिटरली सी कि कोई फिनिशिंग नहीं है. लाइक लुक एट दिस, यू सी द अदर सेक्शंस नाउ, सारे एक तरीके दिख रहे हैं बिकॉज आई वॉश्ड इट. सो दिस इज द वरदान दैट यू गेट विद द सेकंड कोट ऑफ पेंट. आफ्टर द सेकंड कोट आई विल शो यू द आफ्टर एंड आप टॉक जाओगे, इतना अच्छा लगेगा ना, बिकॉज दिस टाइम वी हैव वॉश्ड आवर ट्रे. As you can see, यहाँ पे थोड़ा पेंट उखड़ गया है इन दिस एरिया एंड ये काफ़ी बार होता है. ऐसे दबा दबा के सो प्रेस द पेंट बॉर्डर एंड देन टेक द टेप ऑफ, तो उखड़ेगा नहीं. लास्ट ट्रिप डन, फाइनली सेकेंड कोट भी इसका ड्राई हो गया है, तो टेप निकालनी है अभी. ये सारे वाइट पैचेस हुए ना, ये जो एकदम परफेक्ट लाइन आई है ना, वो ये भी थी. याद है जब अपन ने इसकी टेप निकाली थी, बट अब ये भी खराब होगी इसके जैसे, जब इसके ऊपर टेप लगाएंगे ये पोर्शन के लिए. अभी लेट अस डू टेपिंग फॉर द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वॉल. So finally इस वॉल का मुहूर्त आ गया एंड दिस इज वन वॉल जिसके बारे में मैं काफ़ी नर्वस हूँ. पर जो सेमी सर्कल करना है उसके लिए इतने जुगाड़ ढूंढे कि फाइनली एक चोकर काम आ रहा है. दिस थिंग इज एक्चुअली इधर ऐसे पहनने का है एंड इधर एक सर्कल पेंडेंट था, बट दिस इज फ्लेक्सीबल. इसको यहाँ पे लगा कर दैट इज द प्लान. Here you will finally see properly के ये डोम शेप कैसे आई, क्योंकि कलर डार्क है ये वाले में. तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग अ परफेक्ट सेमी सर्कल ऊपर. नहीं तो पता नहीं कैसे होता था, जुगाड़ मिल गया नसीब से नेकलेस था घर पे. सेकेंड कोट नहीं लगानी मैं, क्योंकि सेमी सर्कल पार्ट ऑन टॉप उस पर सेकेंड कोट लगाना बहुत ट्रिकी है, तो आई एम स्किपिंग इट एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम टू टायर्ड. ये टेप निकाल रही हूँ एंड इसके ऊपर ओवरलैपिंग टेप लगाएंगे जैसे ब्लू रूम में किया था. दिस इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग एवर, इतना अच्छा लगता है. Finally, this wall is done. यहाँ पे ये जो भी सारा डैमेज हुआ है अभी आई एम गोइंग टू डू टच अप, तो पतले वाले ब्रश से थोड़ा अनइवन दिखेगा, बट इट्स बेटर देन वाइट पैच. And this is the final look of this wall. ज़्यादा आसपास नहीं दिखा रही because हम already इसमें furniture set कर चुके हैं. And I just wanted to show the top part क्योंकि अपना inspiration में भी सिर्फ इतना ही part दिख रहा था. I'm very very happy with the finishing. बहुत सुंदर लग रहा है ये. I'll take it closer and show you कहाँ पे white paint निकल गया था when I took off the tape. And वो fill in करके then this room will be done. For filling in I'm using this brush which was the thinnest brush जो मेरे local paint वाले दुकान में available था. So I think this is the number one brush. एकदम ही पतला ब्रश है. Yes! फिनिशिंग देखो यार, फिनिशिंग देखो, पेंट शाइन मार रहा है. एंड दिस इज दिस वॉल, इसकी भी फिनिशिंग कितनी शार्प है. बस ये वॉल ब्लैंक ही रखा.
अगर कॉस्ट की बात करूँ सो द बिग वॉल दैट यू सी बिहाइंड मी दैट वॉल कॉस्ट मी ओनली 900 रुपीज क्योंकि उसमें मुझे 6 डब्बे पेंट के लगे. दिस वॉल कॉस्ट मी ₹600 ओनली क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 4 डब्बे पेंट लगे थे, वो भी पूरे नहीं लगे थे. सबसे कम वाला कलर है इसमें तो आधी डब्बी बच भी गई है. 150 150 150 150. दिस वॉल कॉस्ट मी ₹750 क्योंकि पर कलर अगेन ₹150 लगे थे. तो दिस वन ऑल्सो 150 150 150 150 150. 5 कलर डब्बियाँ अभी भी आधी भरी हुई है क्योंकि सरफेस एरिया कम है, बट मिनिमम 1 डब्बा लेना पड़ता है 200 ml का. दिस फर्स्ट एपिसोड वॉज मोर इन्फॉर्मेटिव, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी ये वीडियो में. लेकिन पेंटिंग का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसमें आपको और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन और फन डिजाइन देखने मिलेंगे. ये वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना था कि आप अगर आपका घर पेंट करना चाहो तो यू शुड बी एबल टू डू इट, एंड अगर वो हुआ तो डेफिनेटली गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड अगर आपको मजा नहीं आया तो गिव दिस वीडियो अ थम्स डाउन, एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. होपफुली तब ये कमरे में एको नहीं होगा क्योंकि तब हम इसमें फर्नीचर डाल चुके होंगे. अंटिल देन गुड बाय.